हल्की फुल्की भूख में आपको फ़ौरन दिल चाहता है कि कोई अच्छा सा बिस्किट या बेकरी आइटम, कोई डोनट, कोई स्कून आपको चाय के साथ मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बज़ाहिर नज़र आने वाला एक छोटा सा पोटा सा पोर्शन, इट्स लोडेड विद अ लॉट ऑफ एम्प्टी कैलोरीज एंड दे कैन बी टाइम्स विच इज़ यू नो दीज आर द साइलेंट कल्प्रिट्स इन योर डाइट, जिसका आपको ख्याल होना चाहिए। लेकिन इसको खाते हुए हमें लगता है तो हल्की फुल्की सी चीज़ है, सुबह चाय के साथ हमने दो पापे ही तो खाए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है नौशीन अमजद, और ये इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सिर्फ एडल्ट जो डायबिटिक है उनको नहीं है, बल्कि छोटे बच्चों में भी जो आप ईटिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स देते हैं, ये सब के सब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सो लेट्स हैव अ वर्ड विद नौशीन। नौशीन अमजद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रिस्क है ख़ासतौर पर अगर आप सुबह सुबह खाली पेट कोई बेकरी आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केक शामिल है, जिसमें रस्क शामिल है। जी नौशीन, इसका क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं कहूँगी वो ब्लड शुगर स्पाइक है। सुबह सुबह आपको जो है ना एक अच्छा हाई इन फाइबर नाश्ता करना चाहिए। यूजुअली जो हमारे बेकरी आइटम्स होते हैं वो वाइट फ्लावर या फिर मैदे के बने हुए होते हैं, जिससे वो ब्लड शुगर स्पाइक जो आपको सुबह सवेरे मिलता है वो उतना ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, और फिर वो ड्रॉप कर जाता है। यानी कि एक जो आप एक हाई फाइबर फूड लेते हैं उसमें वो रिटेन करता है पूरा दिन या फिर 3 से 4 घंटे, वो चीज़ नहीं होती बेकरी आइटम्स के साथ। फिर अगेन हाई इन कैलोरीज, हाई इन फैट, हाई इन शुगर्स, ये सारी ही चीज़ें कॉन्स्टेंटली जब आप रोज़ बेकरी आइटम्स सुबह नाश्ते में खाएंगे तो फिर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन डायबिटीज। तो नौशीन, इसके अंदर अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, दीज आर ऑल कार्ब्स, दीज आर ऑल हाई शुगर्स, और एकदम ना सिर्फ ये आपको शुगर स्पाइक देता है बल्कि दिस कैन ऑल्सो कॉज वेट गेन। कई दफ़ा लोगों को लग रहा होता है जी मैं तो कुछ खास खाती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनकी डाइट में देखें तो इस तरह की आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, लाइक मिनी पिज्ज़ा किसी ने के खा लिया, कोई बेगल उठा लिया, एक डोनट खा लिया, जिसमें हमें लगा कि यार बाजार तो कुछ खाया भी नहीं, अभी तो भूख भी पूरी तरह से नहीं मिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो वो आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, आपकी हंगर जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि उसमें अगेन वही बात करूंगी कि उसमें फाइबर नहीं होता जो मेन इंग्रेडिएंट होता है आपको सेटिस्फाई रखने का, आपकी भूख खत्म करने का वो आइटम नहीं होता। बट अगेन मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनका यही होता है कि दो पापे उन्होंने नाश्ते में ले लिए एंड देयर लाइक मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो अगेन आपने बहुत कुछ खाया है, उसमें अच्छे खासे कैलोरीज हैं, अच्छे खासे फैट हैं, शुगर है जो आपने लिए हैं, और वो जाहिर सी बात है फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली एकदम से नहीं, आपका ग्रेजुअल वेट गेन होता है, वो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। नौशीन मुझे बताएं कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कट डाउन कार्ब्स फ्रॉम माय डाइट, किसी ने मुझे बताया कि कार्ब्स काफ़ी एडिक्टिव होते हैं, आपको जो क्रेविंग महसूस हो रही है ना, अक्सर हम कह रहे होते हैं यार डोनट खाने का दिल चाह रहा है या फलानी पेस्ट्री का दिल चाह रहा है, द मोर ऑफ इट दैट यू गिव टू योर सिस्टम द मोर इट विल डिमांड, ये बात सही है? आई वुड से कि ये सही भी है और एक तरह से थोड़ा सा मिथ भी है। क्योंकि हम फिर कार्ब्स बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो कार्ब्स छोड़ना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कार्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, वो एक मेन सोर्स ऑफ फ्यूल होता है फॉर एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी, तो एक आप अपना फर्स्ट फ्यूल छोड़ भी नहीं सकते, बट अच्छे कार्ब्स लेना ज़रूरी है। हम बैड कार्ब्स ज़्यादा ले रहे होते हैं अपनी डाइट में, तो अच्छे कार्ब्स वही हैं आपके आपकी चक्की का आटा, उससे बनी हुई होल ग्रेन की चीज़ें, वो चीज़ें आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको आप जानती हैं ना कि हर चीज़ को लोग फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब लोगों ने कॉन्शियस होना शुरू किया, जब लेबल्स पढ़ना शुरू किया, आपकी तरह के एक्सपर्ट्स ने उनको बताया कि भाई बेकरी आइटम से सडन शुगर स्पाइक आ सकती है, तो अब आप मोस्ट बेकरीज में देखें कि आपको एक हेल्दी फूड का ट्रे अलग से, सेक्शन अलग से मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें शुगर फ्री बेकरी आइटम्स होते हैं, इसमें ग्लूटेन फ्री बेकरी आइटम्स होते हैं, या फिर लेसर इविल जिसमें आपने कहा कि फाइबर नहीं है, तो कई ऐसी चीज़ें जिसमें या तो मिक्सचर ऑफ ओट्स इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई और फाइबर सोर्स है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर दीज रियली हेल्दी एज कम्पेयर टू दी अदर बेकरी आइटम्स? यानी इसका ऑनेस्ट कंपेरिजन क्या है? अच्छा, ऑनेस्टली जब ये फ्री किसी भी चीज़ के आगे लगा हुआ होता है ना, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि उससे बेहतर है आप वही पूरा जो है ना वही खा लें। ओके, इसकी क्या वजह है नौशीन? उसका रीज़न ये है कि उसको बनाने में ऑब्वियसली उसको वो टेक्स्चर, उसको वो फ्लेवर देने में अच्छा खासा जो है ना फैट और शुगर ऐड किया जाता है एंड स्टार्चेज ऐड किए जाते हैं टू हैव दैट फाइन टेक्स्चर ऑफ दीज थिंग्स, राइट? स्पेशली ग्लूटेन फ्री बेक्ड गुड्स एंड दोज आर ऑब्वियसली, आप अगर एक नॉर्मल ब्रेड का जो है ना आप सर्विंग साइज लेंगे तो वो दो ब्रेड आप आराम से खा सकते हैं, बट ग्लूटेन फ्री हम सिर्फ वन ब्रेड
स्लाइस खा सकते हैं एक टाइम पर. तो अगेन उसमें कैलोरीज फार मोर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ब्रेड. अच्छा, इसके अलावा जो आपने जैसे इशारा किया कि कॉन्डिमेंट एंड फ्लेवर्स, फ्लेवर्स के ऊपर बड़ी बहस की जाती है, खासतौर पर जब हम चॉकलेट फ्लेवर की बात करें या फिर हम कोई भी फ्रूटी फ्लेवर की बात करें, लोग कहते हैं कि ये सब एसेंसेस और यू नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड कलर्स से दिया जाता है, इसमें एक्चुअल तो फ्रूट एसेंस होता नहीं है. हाउ हार्मफुल इज दैट एंड स्पेशली फॉर यंग पीपल, छोटे बच्चों को जो हम उनकी फरमाइश पे डोनट्स, बिस्किट्स, जैम बिस्किट्स दे रहे होते हैं, क्या नुकसान आते हैं इसके? छोटे बच्चों को तो हम काफी कुछ दे रहे होते हैं. इनफैक्ट मैं जब भी लंच बॉक्सेस देखती हूँ, नगेट्स और इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स, वही चीजें होती हैं, राइट? कुछ भी मुझे फ्रेश नजर नहीं आता मोस्टली बच्चों की डाइट में. और उससे मसला ये होता है कि उतनी छोटी उम्र में जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि 2 साल तक तो ये रिटन है, ये प्रूवन है कि बच्चों को ना सॉल्ट आपको देना होता है ना ही शुगर देना होता है. बट हमें पता है कि हम 6 महीने में जैसे ही बच्चा जो है ना थोड़ा सा जोर पकड़ता है खाने का, हम उसको बिस्किट पकड़ा देते हैं. तो अगेन हाइपर एक्टिविटी बच्चों की और अटेंशन डेफिसिट, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिलेंगी उन बच्चों में जो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल. और जैसे हम कहते हैं ना कि गुड एंड बैड हैबिट्स दे स्टार्ट ऑफ अर्ली, छोटी एज में जो आप उनको आदत डाल देते हैं, अगर सुबह सुबह कुछ मीठा ही खाने के उनको नाश्ते की आदत है, या जब भूख लगे दे वुड रीच आउट फॉर सम बेकरी आइटम, सो दीज विल बिकम हार्ड टू ब्रेक. साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? अच्छा सा एक आप बुद्धा बोल उनके लिए बना सकते हैं जिसमें रॉ वेजिटेबल्स हों, सैलड्स हों, फ्रूट्स हों, कलरफुल चीज़ें वैसे ही बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं. ब्रिंग दैम आउट एज एन ऑल्टरनेटिव और कोशिश करें कि दिस कैन बी अ ट्रीट, मे बी अ वंस अ वीक ट्रीट या अ स्पेशल डे ट्रीट, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट. बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए. एंड वॉट्स गुड फॉर द किड्स इज ऑल्सो गुड फॉर अस. तो अपनी डाइट को भी थोड़ा क्लीन अप करें, बेकरी आइटम्स को और एम्प्टी कैलोरीज को, जिससे ना पेट भरता है ना नीयत भरती है, ऊपर से सिर्फ वजन बढ़ जाता है, उसको प्लीज़ अपनी डाइट से कट आउट कीजिए.